खुशी मुझे इस बात की है जो मैंने ऑर्डर मंगाया फाइनली वो आ गया है। इसने अभी आपको दिखाएंगे, इसने आज बहुत बड़ी चीज ऑर्डर की है और वो आ चुकी है। ठीक है, वो अभी लोग नीचे खड़े हैं घर के नीचे ना, तो अभी और अभी ये रिसीव करने जाएंगे। ये देख लें, इसने पूरा ट्रक मंगवा लिया। ठीक है, दराज से। ठीक है, इतना बड़ा पार्सल है, पूरा ट्रक लिया। वो कॉपी तो मैंने की है, जितनी खुशी थी वो बिस्ती फील हो रही है। सांस से लेकर जिस्म तक, जिस्म से लेकर हर जर्रे तक अल्लाह ताला ने हर चीज़ नेमत बना के दिया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोग का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोग हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। जरा खुशी तो चेक करें। ये है खुशी मुझे इस बात की है जो मैंने ऑर्डर मंगाया फाइनली वो आ गया है। इसने अभी आपको दिखाएंगे, इसने आज बहुत बड़ी चीज ऑर्डर की है और वो आ चुकी है। ठीक है, वो अभी लोग नीचे खड़े हैं घर के नीचे ना, तो अभी और अभी ये रिसीव करने जाएंगे। और ये सारा कुछ ये तो खलेरा डाला हुआ, खलारा डाला, खलारा मैंने डाला हुआ इनके करना। ये भी अभी मेरे बस से बाहर वाला गाँव में, ये भी आपने करना है। तो चलो जल्दी से वेट ना करो और चलते हैं, हम जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। भाई साहब मुझे पता तो चल गया, लेकिन मुझे बताया से पता कैसे सेलेक्ट करके ऑर्डर करके। अच्छा बताओ इनमें अच्छा कौन सा लगा? मैंने कहा अगर आपको बताती तो आपने कौन सा बोला था? हाँ मंगवा लो मंगवा लो। चलो कोई नहीं, अभी ना दिल की खुशी मेरी कितनी है, मेरी जो है ठीक दिल की धड़कन ठीक है मेरी अलग टाइप की हो गई है। बस मैं अल्लाह कमाते हैं और इनका काम उड़ाना, क्योंकि इनके नसीब क्या है। हाँ हाँ, ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो चलो आओ, आप इसे भी साथ ही लेके चलते हैं। चलो आज आज नन्हे मोहे मियाँ को पकड़ो, साथ में आओ। हाँ आज तो अभी गाय ऊपर वो कैसे चीज़ आएगी देख लेते हैं ना। मेरे ख्याल से इधर से आपके लिए रास्ता थोड़ा नंदन मियाँ को मुस्तफा किधर है ले गए। तूने सिर्फ पकड़ना, कैमरा पकड़ना, पकड़ लो। A few moments later. So guys, पार्सल हमारा आ गया और इतने बड़े ट्रक में आया है, लेपर्ड्स वाले लेकर आए हैं इसको। और अभी देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। मेरा जो ना दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि ऐसा ना हो कि भाई कुछ टूट फूट हो गई हो। देख लें, इसने पूरा ट्रक मंगवा लिया। ठीक है, दराज से। ठीक है, इतना बड़ा पार्सल है, पूरा ट्रक लिया। सही है, अब इस ट्रक को खाली कराओ, जल्दी करो, ऊपर लेके चलो। अब ये कैसे लेकर जाना है इनकी समझ से बाहर है। तो अच्छी होगी ना। हाँ अभी काट लो के अंदर बंद है। हाँ माशाल्लाह। चलो अब ये उतारो, कैसे उतारोगे, क्या करोगे? दिल जाना धड़क रहा है धम धम। ओए ये आ गई बंदरिया, मुस्तफा को तो बुला लो जरा, 2 मिनट। बोलो मामा बुला रही है। सारा कुछ इंपोर्ट करवाया इन कार्टून के अंदर बांधा। अभी आपको बताएंगे नहीं क्या है, जब ऊपर लेके चलेंगे फिर इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखो इतने बड़े ट्रक में जितना जो ऑर्डर। चलो चलो, रेट ज्यादा कम है, ज्यादा होगा बॉस। आज आपने बातें चीतें करें, आप तो अजान हो रही है, ब्रेक में। सो गाइज़ यहाँ से कुछ व्लॉग हमारी वॉइस ओवर की ज़बानी, क्योंकि अजानें हो रही थी। और बिलाल साहब ने ना बड़े मज़े से यहाँ पे जो है ना इसको ऑफलोड करवाया, मगर हमें क्या पता था कि आगे एक और सरप्राइज़ हमारे लिए मौजूद है। बड़े मज़े से हम लोग लेकर गए घर की तरफ, मगर अभी जो सरप्राइज़ हमें मिला वो आप लोग देख कर हैरान हो जाओगे और हम भी परेशान हो गए थे। बड़े के लिए एक बंदा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है आप दोनों ही ले जाओगे। अगर ऐसे अल्लाह अल्लाह चला जाएगा, ध्यान से लेके जाना। सो गाइस जितनी एक्साइटमेंट में हम लोग उछलते कूदते गए कि भाई हमारा पार्सल आ गया, पार्सल आ गया, उल्टा ही उतने सदमे हमें मिल गए, क्योंकि ये पार्सल ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा था। आगे स्टेयर्स तंग होने की वजह से हर्डल बहुत मौजूद थे और ये पार्सल ऊपर नहीं आ रहा था। सो गाइस सदमा मिल गया, ये इतना बड़ी चीज़ है और जो है ना वो सीढ़ियों पर जाने की जगह नहीं है। क्या करें यार, अभी तो एक और भी है, एक और भी है, तो अभी कैसे जाएगा ऊपर मेरी समझ से बाहर है। तो अभी देखते हैं कि क्या जो है ना किस तरीके से जाएगा। और ये नन्हे मियाँ को अनबॉक्सिंग करने की पड़ी हुई है और ये बच्चे जो है ना ट्यूशन गए हुए थे और ये लोग भी आ गए हैं। और वो देखिए जनाब वो लेकर आ रहे हैं एक और पार्सल। तो टोटल ये 3 पार्सल हैं, पता नहीं ऊपर कैसे जाएंगे। अभी बिलाल साहब की जिम्मेदारी है, बाकी हमें नहीं पता। 2 छोटे हैं 1 बड़ा है। हाँ जी, आप नन्हे मियाँ को संभालें, नन्हे मियाँ को कोई हाल नहीं है, फुल मेले हुए हैं। चलो जी बिलाल साहब यहीं पर लगा लो, यहीं पर बैठ जाएगा, यहीं पे लगा लेते हैं। सो गाइज अभी तक आप लोगों को अगर नहीं पता चला तो आप लोग गेस करो कि इसमें क्या है। और मैं फुल एक्साइटेड हूँ, मगर डर भी लग रहा है कि ऊपर कैसे जाएंगे और क्या होगा, समझ से बाहर है। क्यों अभिया तुम मत बताओ, तुम सारा जो है ना वो मेरा ख़राब मत करो। और ये देखें नन्हे मियाँ कह रहे हैं हमें नीचे उतार दें और नन्हे मियाँ कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। नहीं इसको मैंने ख़ास आपको इसको पकड़ने के लिए बुलाया, इसको लेके ऊपर चले जाओ, एलईडी लगा कर दो, जाओ जल्दी। चलो जी ये कुछ है, चलो ऊपर चलो, तो मंटी भी आ गई, ऊपर चलो, इसको लेके चलो ऊपर जाओ भैया, इसको लेकर ऊपर जाओ, जाओ जल्दी 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 जल्दी। मुस्तफ़ा भाई को लेकर जाओ। मुस्तफ़ा साहब अपना बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं, वैसे ही चले गए ऊपर। तो अभी कहाँ चले गए हैं मेरे मियाँ साहब, उनको भी देखते हैं कि अगला तीसरा तंबूरा जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप लोग गेस करो इसमें क्या है। तो भाई जाओ देखते हैं क्या है। और इस बंदे का मुँह बन रहा है क्योंकि खुवारी इसने काटनी है, मैंने नहीं। अब ये ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी है। कोई बात नहीं, अब बेवकूफ़ी कर दिया, संभालो तुम। गाइस बिस्ती मेरी लगने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, जब घर की चीज़ बनती है तो बिस्ती भी बर्दाश्त कर ही लेता है बंदा। चलो आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ पप्पा। सबसे ज़्यादा तो भैया फातिमा एक्साइटेड हो रही है। आखिरकार लेपर्ड वाले भैया तो अपनी ड्यूटी को सरंजाम देकर जा चुके थे, यानी कि पार्सल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। फंस गए बिलाल साहब, क्योंकि घर की चीज़ है तो ऊपर तो लेके जानी है। अब आगे का सीन आप लोग देखिए। चलो जी, यहाँ पे मेहनत मुश्किलें हो रही हैं ऊपर आने के लिए। ऊपर का रास्ता आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से तंग है और बहुत सपा मची है। और ये मेरी अलग से बैंड बजने वाली है, बोलेंगे कि इतना बड़ा ऑर्डर कर लिया, पूछा भी नहीं। मेहनत मुश्किलें हो रही हैं, ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। मुसीबत डाल दी है, कोई बात नहीं, कोई बात सो गाइस मैं क्या कह सकती हूँ, कोई बात नहीं। अब आ तो गया, भुगत रोज़े में मेहनत मुश्किलें करने में चले, अल्लाह ताला डबल सवाब देंगे। नहीं ऊपर सीधा खड़ा करना, नहीं लगाओ रोल। मैंने सोचा नहीं था ये इतने छोटे होंगे, मैं तो कहा था आराम से आ जाएंगे, मगर शुक्र है कि बिलाल साहब की मौजूदगी में आया। अगर ना आते इनकी मौजूदगी में मैंने तो ख्वार हो जाना था, मतलब वो तो लेपर्ड वाले तो बाहर उतार के चले जाते, तो फिर मैं क्या करती। सोचने वाली बात है, अल्लाह ताला जो करते हैं बेटी के लिए करता है। बिलाल साहब गए तो बिलाल साहब भुगते हैं, वो देखिए बेचारे भुगत रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए उसके नीचे फोड़ नहीं देना, बस लगवा रहे हैं। गाइस जितनी एक्साइटमेंट थी ना वो वैसे होगी। जाहिर सी बात है, पता नहीं कैसे लेकर आएंगे। हाँ अल्लाह मियाँ मदद करेंगे, ऊपर आ जाए अल्लाह ताला मदद करें। और ये कभी ऊपर आ रहा है, कभी वापस जा रहा है, क्या हिसाब किताब को नहीं समझ आ रही। खैर इनकी तो अपनी हालत टाइट हुई है, क्या बोलूँ गाइस, बेवकूफ़ी तो मैंने की है। जितनी खुशी थी वो बिस्ती फील हो रही है। बिलाल साहब का हाल बुरा हो गया। मैंने तो आज मार का मार दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेवकूफ़ी गए सारे रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिए। मगर कोई बात नहीं, जब ये सेट होगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। आवाज़ नहीं है मेरे पास, जज्बात नहीं है, क्या बोलूँ। सो गाइज़ आखिरकार एक अदद पुर्जा जो है ना वो हम लोग ऊपर लाने में कामयाब हो गए हैं। स्टेयर्स की वजह से बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, नहीं बिलाल साहब को, और उस मुश्किल की जो है ना बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। मगर खैर कोई बात नहीं, खुशी के चक्कर में थोड़ी बहुत बातें तो बनती हैं। मगर जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ उनका जरा। ऐसे मेहनत कर रहे हैं, बांध बांध के लेके आ रहे हैं सीढ़ियों से। बिलाल साहब हाय, मेहनतें मुशक्क़तें कर रहे हैं, हाय मज़े आ रहे हैं। सो गाइस जो है ना सरप्राइज़ हमने मंगाया और महंगा जो है ना बिलाल साहब को पड़ गया, जेब में भी और मेहनत मुशक्क़त के तौर पे भी। सो गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गेस करो कि मैंने क्या मंगाया है, ठीक है। कमेंट में बताना मुझे, वैसे वीडियो के थंबनेल से भी अंदाजा हो ही गया होगा, मगर गेस करके बताओ। 2000 years later। तो वेलकम बैक गाइस, आज तो हद हो गई है, इसने जो चीज मंगवाई है ना वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, उसके लिए कम से कम हमें 6 बंदों वो सिलेक्ट इन्होंने नहीं की है, अपना नहीं बता रही, सिलेक्शन इन्होंने की है। मैंने इनको छोटे वाले दिखाए थे, इन्होंने बोला नहीं, परचेजिंग करके मुझे बताया गया है मैं सिलेक्ट करे कौन तेरा ठीक है। मैंने ऑर्डर करने से पहले परचेजिंग, मुझे क्या पता था, मैंने आपसे पूछा था, आपको अपना दिमाग काम नहीं करता कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूं तो मतलब मैंने ऑर्डर नहीं किया। चलो गाइस अभी जो हो गया सो हो गया, तो ये चेक करें, अभी अनबॉक्सिंग हो रही है, साइज चेक करो जरा। जहाज लैंड हो, जहाज लैंड कैसे करवाया है आप सोच, आप लोग भी इतने सारे बंदे बुलाए, ये इसको ऊपर चढ़ाया हो, 6 बंदों का काम था। अब ये चेक करो, बांध ले गया, 6 बंदे थे, 6 बंदों ने किया जी, हाँ जी। तो ये गाइस चेक करो, तो गाइस को अनबॉक्सिंग करके दिखाओ मेरे को ज़्यादा वो ये लग गया, सही सही चलो अभी आपको दिखाते हैं ये क्या मंगवाया है हमारी बेगम साहिबा ने। 1 2 कैसे तो तुम 50 तक गिनती गिनोगे, 4 आप लोग गेस करो क्या है ये। अभी आपको अभी ये चेक करो, गेस करें क्या है, आराम से मिलेगा, आराम से, आराम से। तो उसका ये लो गत्ता सही बच गया है, गत्ते का जाके बेच के और मेरे को पैसे लाके देना। हादा गाइस इतने पैसे लगा दिए, गत्ते के पैसे मेरे को लाके देना, क्या बात है ना। अच्छा, हाथ धो दिए यार, मजदूरी लग लेना, मजदूरी। ये देखो गाइस, उतारो उतारो सारा, ये देखो आए, वैसे बंदे ने ना अच्छी तरीके से पैकिंग की है। हां पैकिंग बंदे ने सही की है, माशाल्लाह। देखना भी मारना नहीं वो चीज ना। तो गाइस ये हाँ ये फाइनल लुक इसका आपको दिखा रहे हैं। तो ये सेट करके ना फिर किस दिन होम टूर करवाएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। मैंने इधर से कहा ये उतारे, इधर खोल के पहले उतारने से, राम राम से काट, राम राम से काट इधर। तो गाइस मैं जरा इसकी थोड़ी हेल्प कर दो, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या लेके आया है, ये है जहाज जितने बड़े सोफे जो सेलेक्ट किए इन्होंने देखो पता क्या मुझे बताया गया इनमें से कौन सा चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ये क्यों ऑर्डर कर रही है, कह रही है ये बड़े मनासब। आपको सच्ची में एक बात बताऊं, मेरा ड्रीम था कि मेरे घर में ना एक ड्राइंग रूम हो सोफे वाला ना, बचपन से ही सोफे वाला ड्राइंग रूम ही होगा। ड्राइंग रूम ही कहते हैं, एक मिनट मेरे को स्टोरी तो ना बचपन से मेरा हाथ था कि हमारे घर में सोफे होने चाहिए। तो मेरे मायके में भी सोफे नहीं थे, मेरे जो है ना ससुराल में भी सोफे नहीं थे। ससुराल नहीं थे, हाँ है थे, मगर वो हमारे तो नहीं थे ना। तो फिर जो है ना फिर हम लोगों ने जो है ना सोफे ले लिए इस तरह के सोफे भी आते हैं, नानी पे भी सोफे आते हैं, ठीक है, लकड़ के। वो तो ओल्ड फैशन थे ना वो मेरे तो एक। चलो गाइस जो होगा होगा, चलो मैं फाइनल खोल के ना फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूं। सो गाइस यहां पे आप बड़े हाथी की अनबॉक्सिंग चल रही है, चलें जी अनबॉक्सिंग करें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हां अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह ताला जब भी कोई नेमत आपको अता करे तो आप जरूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वैसे तो हम लोग हर नेमत से भरे पड़े हैं, सांस से लेकर जिस्म तक, जिस्म से लेकर हर जर्रे तक अल्लाह ताला ने हर चीज़ नेमत बना के दी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मुझे ना दराज वालों की पैकिंग बहुत पसंद आई है, इन लोगों ने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। सो गाइस देख लो आप लोग, मेरे घर में धनिया से लेकर सोफों तक, सोफों से लेकर एलईडी तक दराज से आई है, ठीक है। बेचारों को बदनाम ना करोगे जो है ना वो फ्रॉड करते हैं, बस शॉपिंग करने का आपको तरीका आना चाहिए। होता है स्कैम भी हो जाता है, स्कैम भी हो जाता है, मगर आप लोगों को शॉपिंग करने का तरीका आना चाहिए। तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बताती हूँ कि आप लोगों ने रिव्यूज़ चेक करके फिर ऑर्डर करना है। जिसके पास रिव्यूज़ ना हो उसके पास ऑर्डर ना करें, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना वो लक वाला हिसाब होता है कि हो सकता है आपको चीज़ अच्छी है, हो सकता है बुरी आ जाए, मगर जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं ना वहाँ पे आप लोगों को ज़बरदस्त चीज़ आती है, क्योंकि वो कस्टमर्स ने बताया होता है कि इन्होंने कैसा दिया। तो गाइस ये हमारा जो है ना जहाज बड़े वाला अनबॉक्स हो गया। बिस्मिल्लाह करें, इसको सीधा करें। ओह ये तो कुशन्स भी आए हैं गाइस, कितने प्यारे कुशन्स हैं, ये देखिए, लुक एट दिस, ओह माय गॉड ये कितने प्यारे कुशन है। ये देखिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने नहीं सोचा था कि ये भी साथ में आएंगे, मगर ये आ गए। देखिए ऐसे करके रखेंगे हम इसको, ये देखें। खैर गाइस अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अफरा तफरी खूब मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये देखें, इसको सीधा पतरा करें, कोई समझ आए ताकि हम लोगों को क्या हिसाब किताब है इसको। ये देखें गत्ते ही गत्ते हो गए गाइस, देखें गत्ते ही गत्ते हो गए, गत्तों के पैसे मिलेंगे बच्चों। देखो गाइस इतने पैसे लगा के गत्तू के पैसों की कितनी खुशी आई, दिल तो बच्चा है जी नहीं मुझे इनकी बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया, अता किया मेरे मौला ने, तो उसकी शाने हैं, तो उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ दिल से। तो ये जो है ना गाइस, ओ माशाल्लाह ये देखें 1 2 3 4 5 कुशन आए, मतलब 5 सीटर सोफे के साथ 5 कुशन। तो ये बहुत प्यारे प्यारे कुशन लग रहे हैं ऐसे नरमो मुलायम से। तो आप लोग भी अगर ऑर्डर करना चाहते हो दराज से बिला झिझक, जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। कोई आपके साथ स्कैम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देख लें जहाजी सोफा। सुनो मेरी, अपनी किस्मत से ऑर्डर कीजिएगा क्योंकि हमारे अल्लाह का शुक्र कुछ स्कैम नहीं आया, लेकिन पता नहीं हो सकता फिर वो लोग हमें ये नहीं बोल रहे। नहीं नहीं मैं गाइस जिस तरह आप लोगों को बता रही हूँ ना उस तरह आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों के साथ स्कैम नहीं होगा। बस आपने जब भी ऑर्डर करना है बंदों के रिव्यूज़ देख लेने नीचे के, वो अच्छा बोला है उन्होंने या बुरा बोला है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला होगा टूट फूट हुई है, हमें गंदी चीज़ आई है, ऐसा जैसा दिखाया वैसा नहीं आया, तो खबरदार आप लोग भी बिल्कुल ऑर्डर मत करना। और अगर आप लोगों को अच्छा बताया हो कि हमें सही चीज़ आई है तो आप लोग बिला झिझक ऑर्डर कर सकते हो। और ये जिस तरह मैंने भी इसके रिव्यूज़ वगैरह देख के ऑर्डर किया था, देखें आप जहाज़ भी आप लोग दराज से मंगा सकते हो। दराज वाला तुम लोग की पब्लिसिटी कर दी मैंने, नहीं आप लोग कर सकते हैं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ, दराज वालों के लिए नहीं बता रही गाइस, सिर्फ आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोग परचेज़ कर सकते हो। और इनके जो है ना ऑफर्स भी लगती रहती है, तो मैंने भी ऑफर में से ही मंगवाया है। चलें ये देखें, ये जहाज़ जो है ना आगे नीचे। A few inches later. So गाइस ये देखें गत्ता ही गत्ता, घर में गत्ता ही गत्ता। और अभी बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और अभी देखते हैं क्या रिएक्शन। घुस फंस के निकल आओ, शाबाश आ जाए, फंसती फंसाती आ गई। अबिया फातिमा ये सिपारा मुझे दे दें, ये अबिया फातिमा का सिपारा मैं रख दूँ। नन्हे मियाँ जो ना मेरे सो गए हैं, आज कुछ नहीं पता घर का क्या हाल है। अबिया टंटना टंटना, ओह माय गॉड ये देखें जी। और कूदना नहीं अल्लाह का वास्ता है, कूदने वाले काम नहीं करने बेटे। तो गाइस माशाल्लाह से फाइनल लुक इसका है, फाइनल लुक आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो गाइस माशाल्लाह से प्रीमियम जिसका बजट बनाया, प्रीमियम इसका कलर, इसका फॉर्म, लकड़ी। सो गाइस शुक्र है कि चीज़ अच्छी निकली, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अच्छी चीज़ निकली, नहीं तो मुझे बकरे से फंटी पड़नी थी अगर कुछ टूट फूट हो जाता तो, क्यों जी। बाकी ऊपर लेके आने में काफी लोगों ने हमारी मदद करवाई है, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी ऊपर लेके आने में बहुत दिक्कत हुई। हाँ वो तो सच में इनको बहुत दिक्कत हुई थी, ऐसे रस्सियों से बांध के ऊपर लेकर आए थे, बहुत मुश्किल से लाए थे। चलो बच्चों आप लोग बताएं कैसा इसका लुक। बाकी मुझे तो पसंद आया ना, चीज तो बढ़िया है, चीज तो बढ़िया है। तो गाइस बिलाल साहब को पसंद आया, मतलब मेहनत पूरी हो गई। मेरा तकिया काम का नहीं है। हैं? हाँ। काम का क्यों नहीं है? यूं अच्छा है। चलो ठीक है बेबी ना, आप इफ्तारी का इंतजाम करें। लो गैस आई नहीं, इफ्तारी का कहां से इंतजाम करें? बिलाल साहब को भी से रोजा लगने लग गया क्योंकि बहुत काम किए हैं। तो मेरी तरफ से मुबारक को ज्यादा ज्यादा। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। और ये देखो ये अभी आपने बेच के आना है। मेरे नन्हे मियाँ को उर्फ तकदीरुल ऐन को जो है ना बहुत सफाई का शौक पड़ा है और बाहर गत्ता ही गत्ता, यकीन करें इतना गत्ता। ये देखें जहाज के अंदर से बहुत सा गत्ता निकल आया। अब बिलाल साहब उठ जाओ यार, आज जो है ना सोफे के चक्कर में कमरे का, इस कमरे का भी कोई हाल नहीं है, कोई साफ सफाई इधर की भी नहीं हुई, बस नीचे से फर्श साफ हुआ है, बेड बेड वैसे ही खिलरा पड़ा हुआ है। उठ जाए, वो फेंकना है गत्ता, जाके बेचना है, उसके बाद से मुझे जो है ना सब्जी दिलाओ, कोई अफ्तारी की चीज़ें दिलाओ, जल्दी करो, टाइम नज़दीक रह गया। क्यों नहीं उठ रहे हो यार? और यहाँ पे देखें मेरी हूर परी माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरे बच्चे की। और ये देखें करतूत देखें, इस बंदे की आंखें ऐसी नशीली हो रही हैं जैसे अभी कह रहा है सोने लगा हूँ, बस टाइम ना खत्म। पैसे दे दें इनको 20 रुपए न दीदी, नहीं और 1000 रुपये देने आपको, 4 रुपये दें इसको, अच्छा 20 से भी जाएगी। तो गाइस हम लोग अब गत्ते का इंतजाम करने लगे हैं, गत्ता बेच कर हम मालूम माल हो जाएंगे। सही है वैसे। ओ खुदाया, वो तुम्हारी औलाद फिर भाग गई है वहाँ पे, कोई हाल नहीं गाइस मेरे घर का। ए इसको क्यों गीला कर रहे हो आप? ताकि तुम्हें भी ना मस्ती चढ़ी होती है हर उल्टी जगह घुसने की। चलो चलो निकलो, जल्दी करेंगे चीज़ें समेटे भाई। हाँ ये मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी जो है ना हम लोगों ने इसकी वो मंगवाई नहीं है, कवर मंगवाऊंगी ना फिर, क्योंकि ये गद्दियाँ वो वाले सोफे नहीं है ना जिनकी गद्दियाँ उतार के आप लोग धो लेते हैं फिर चढ़ा देते हैं। फिर जो है ना ये देखें ये वाम आती है, ऐसे आके बैठती है, तरक्के में पाँव ऊपर मारेगी और काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं ना उसका वो कवर मंगा लूँगी, बाद में जो है ना फिर ये रूम खोल लूँगी, मगर अभी इनको यहाँ से निकालें। चले जी ये देखें, ये देखें, बस मौका मिलने की देर है मेरी औलाद ठक 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 ठक। आप लोग बताना आप लोग के बच्चे ऐसे करते हैं, मौका मिलने पर चौका मार देते हैं, तो ये लोग भी चौका मार रहे हैं। चलो देखो हाँ मिलते हैं, पैसे इधर निकलो, गलती से खोल दिया डोर। वो देखते वो नन्हे मियाँ फिर तबाही पाने चले गए। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो 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 निकलो यहाँ से। अरे नहीं भाई, ये आप नहीं करोगे टमेटो तो सही ना। इसो बिलाल साहब को रोज़ा लगने लग गया, हम गाइस गुस्सा कर रहे हूँ, कह रहे मैं गत्ता अभी बेच कर नहीं आने वाला। चलो नहीं बेच कर आओ, तुम ना बेच कर आओ। लाइट हमारी चली गई है, कुछ जंजाल पूरा देखें यहाँ पे, उस रूम से निकला था यहाँ पे, अब ये भी सेट करने वाला मगर बाद में करूँगा सेट। ये अगर दरवाजे के आगे ऐसे खुला रहा ना तो आपकी औलाद कमरे तक ले आएगी। हाँ बोरा लेके बस डाल दें, फिर बाद में बेच देंगे, क्या पता है मुस्तफ़ा को दे के भेज दें। ठीक है मेरे पास तो है एक बोरा, हाँ मैं आपको देती हूँ ला के। यार ये बाद में कर लेंगे, काम करना करो ठीक है, ऐसे तंग नहीं करो ठीक है, करना तो करो। ऑनलाइन गुस्सा कर रहे हैं मुझे। अच्छा चलो निकलो, खैर इसको रहने दो, आप मेरे साथ चलो तो अपन जाके ना वो करके आते हैं कुछ पकाने की चीज़ें। मेरे पास मुझे पैसे नहीं है, हैं चलते हैं, ये तो वैसे ही निकल चले, बता ही नहीं रहे। चलें गाइस हम लोग अभी सब्जी सब्जी लेने चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। इधर ना शॉर्ट होने लगा, रोज़ा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है बंदे को। A few moments later. चलो गाइस सब्जी लेने आए हैं। टिंडा कुछ बनाओगे? हाँ चाइनीज़ टिंडा नहीं है, इनका कुछ और नाम होता है चाइनीज़ टिंडा, चाइना का नाम नहीं था। इसका क्या नाम है? छपड़ी टिंडी, छपड़ी टिंडी भाई, इम्पोर्टेड टिंडी है देखिए मैं बता। हाँ सही है इम्पोर्टेड टिंडी। और जो है ना ये कितने लेने हैं? बस भी करो, ले ही जा रहे हो, ले ही जा रहे हो। टिंडे बहुत शौक है पकाने का। और क्या लेना है? बैंगन लेना है, आलू बैंगन बना लें। टक्की साहब उधर घूम रहे हैं। तो गाइस आज जो है ना इन्होंने क्या खाना है? टिंडे, टिंडे और वो टिंडे गोश्त वो। फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो जी चिकन लेने आ गए हम लोग। आज क्या बनाना है? क्या बनाना है? बिरयानी बनानी है? क्या बनाना है? टिंडे खाने का दिल है इस बंदे का। तो गाइस अभी हम लोग लेने आए हैं चिकन। चिकन के क्या रेट चल रहे हैं? 640। थोड़ा सा कम आया है, पहले जो है वो 700 पे हुआ था, 700 किलो। बस उनकी मर्जी है। हाँ अभी रमज़ान का मिड हो रहा है ना। और यहाँ पे देखें हम लोगों को सनब्लॉक हम लोगों ने कितने खुशी से खरीदा था, बाहर ऐसे ही आ गए। हाँ छोटी छोटी बोटियाँ बना लें, बिरयानी नहीं है नॉर्मल, मतलब टिंडों में डाल। कह रहा मीठा है, छिलका वापस लाओ। क्या किलो लगा रहे हो? 200 रुपए किलो। यही रेट है इसका पक्का? लेकिन कम करेगा। डेढ़ सौ लगाएगा। चलो गाइस, रमजान के जो है ना वो रेट बढ़े हुए हैं। मीठे मीठे दाने डालो। A few inches later. अभी हम लोगों ने क्या खरीदा है? गोलाची। गोल। ये घर में का आस पड़ोस का रिश्तेदार है, घर में का कजन है ये। बोला अगर ये मीठा नहीं हुआ इसका छिलका लेके और पैसा लेके जाओ। छिलका लेके आओ? क्यों? छिलके के ऊपर बारकोड लिखो। छिलका लेके और पैसा लेके जाओ। हाँ तो गाइस अभी क्या लेना है हमने? अब क्या रह गया? बनाना लेके और जाएंगे। अभी क्या रह गया? बनाना लेना और अमरूद बड़े में और दो कोई अगर वो हो जाए। फ्रूट चाट खाओगे क्रीम चाट खाओगे? मैं तो कहती हूँ आज क्रीम चाट खाओ। चलो बना दो। क्रीम चाट खाओ, साथ में पकौड़े बनाते हैं बस। और चना चाट जो है कल इनको खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है इन्होंने हमारे साथ रोज़ा नहीं खोला था। बाद में आगे इन्होंने ठंडे पकवान एंजॉय किए थे हैं। बेचारे को पकौड़े भी नहीं मिले थे क्योंकि पकौड़े खास इनके लिए बनाए थे और बच्चे खा गए थे। बेसन इनके लिए पड़ा हुआ था मगर इन्होंने बाद में मांगे नहीं, बोला ही नहीं कि मुझे दो। पेट भरा हुआ था, बाद में इन्होंने आलू पालक खा ली। तो चलो चलते हैं, आप अजाने हो रही, बाद में आपसे बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है ना अब गत्ते की मेहनत मशक्क़त हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा रोज़ा इनका संभला है। उनकी हालत भी थोड़ी संभल गई है ना। गुस्सा ज़रा कंट्रोल में हुआ है। हेलो मियाँ, गुस्सा कंट्रोल में है ना अब आपका? अस्तगफिरुल्लाह। जाने टाइम आप लोग गाइज देखें मुझे कितना सुना रहे थे, निकलो जल्दी करो। वो बस हार्मोन थोड़े से बंदे की तरह चेंज हो जाते हैं। मर्दों के कब से हार्मोन उछलने लग गए गाइज, मुझे ये बता दें आप लोग। लेडीज के हार्मोन सुना था उछल जाते हैं। जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा इसकी जो प्रेशर है तेज हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में बीपी हाई हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इनके लिए पकोड़े बना रहे हैं क्योंकि कल इन्होंने पकोड़े नहीं खाए थे। और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी टेढ़ी मेढ़ी जो है ना पतीली, उसके अंदर मैं बना रही हूँ आज फिर से दही फुल्कियाँ क्योंकि इनको दही फुल्कियाँ पसंद आई थी कल जब इन्होंने आके खाई थी घर पे। तो गाइस मैं ये बना रही हूँ और साथ में एक फ्रूट चाट करेंगे और सालन जो है ना मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी क्योंकि टाइम इतना नहीं। शिकंजी भी नहीं आज आपने? नींबू लेकर आए हैं शिकंजी। और बीच में लाल शरबत डालना नहीं डालना? लाल शरबत से लोग आप चुके हैं, कह रहे हैं बस करो। लाल शरबत नहीं डालना। अगर आप दूध के अंदर डाल दीजिएगा। ये गत्ते कितने के बनेंगे मुझे जरा बताएं? गत्ते के बनेंगे देख लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मेरे को मिलेंगे पैसे, ये मेरे को तो टेंशन लेनी है, मेरे को पैसे मिलेंगे भाई। इधर देखिए ना, ये देखो जरा, ये गत्ते मेरे हैं बॉस, ये मेरे सोफों के साथ आए हैं। मेहनत आप करें तो क्या हुआ? अब आपने वो दिहाड़ लेनी है मेरे से जो आप सोफे ऊपर लेकर आए हैं। अब ये मेरे से दिहाड़ियाँ मांगेंगे आप हैं? किधर गई हैं? इधर बंदे की वाकई ना बैटरी लो हुई है, मैं बता रही हूँ। ऐसे बैटरी लो हुई भी है। देखें गत्ते तो अच्छे खासे बने हैं, डबल बिजनेस हो गया हमारा। एक तो सोफे आ गए, ऊपर से गत्ते भी आ गए, पैसे आएंगे, है ना? क्या बात है। क्या तो बिजनेसमैन नहीं हूँ। नो। और गाइज आप लोगों में से अभी तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जाके और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा, ठीक है ना? ये देखें जनाब, यहाँ पे फुल्कियाँ जो है इनको मैं बंद कर दूँ इससे पहले ये फुल्कियाँ जो है ना फुल्कियाँ ही हो जाए। तो गाइस ये ना ज़्यादा देर अगर इसको रख दो ना गर्म पानी में तो फिर ये ऐसे अजीब सी टूटने लग जाती है। तो मैं इसको चलो थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि अंदर तक पानी चला जाए, अंदर से गल जाए। और नन्हे मियाँ के लिए मैं एक समोसा जो है वो निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए साइड पर क्योंकि वो खा ले अपना, उसका तो रोज़ा नहीं ना है। तकबीरुल्लाह खा ले बेचारा, सुबह से बैठा वैसे। तो गाइज थोड़ा सा टाइम रह गया अभी रोज़ा खुलने का, तो अभी हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। कल जो रोज़ा मैंने कल काम पे गया, लेट हो गया, मैंने रोड के ऊपर ही खोला था, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे खोलेंगे। कि कल जो पकौड़े खाए हैं लेकिन मेरे लिए पकौड़े नहीं थे, लेकिन वो मसाला मेरी जान ने रखा हुआ था मेरे लिए स्पेशली, और वो आज पकौड़े बना के दिए। और ये क्या था ये नाम इसका? ये मेरे को भूल गया बस, कुछ आजवाने का मामू चाचू है। ये घर में पता नहीं और ये फुल्की मुझे बहुत पसंद था माशाल्लाह से, कल भी बड़ी अच्छी बनाई थी, आगे मैंने खाई थी बहुत ज़बरदस्त थी। और जानो क्या है, अगर आप लोगों ने भी अभी तक रोज़ा नहीं खोला तो थोड़ा सा टाइम रह गया, इंतजार करो, रोज़ा खुलने वाला है। हमारे इधर देखो टाइम सिर्फ मेरा 5 मिनट है या 2-3 मिनट है। अभी डफर रोज़ा खुलने से पहले तूने खोल दिया, दोबारा बांट दिया डफरे, टेकी बाबा भी नहीं डरे। तो अभी रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप हमारे यूट्यूब की फैमिली बने। इंशाल्लाह बहुत मज़े के व्लॉग आगे भी आने वाले हैं। क्या बेटा सब्र करो, रोज़ा खुलने वाला तो सब्र करो मेरी जान। पर थोड़े से मिनट रह गए हैं। ये देख लो, ये अभी और भी कुछ आ रहा है, अभी देख लेते हैं क्या क्या मेरी बेगम लेके आती है। बाकी रोज़ा रखने में और उसके बाद जब इंतजार करते 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 जब रोजा खुलने का टाइम होता है बहुत मजा आता है। तो अभी क्या ले आई हो? शरबत भी आ चुका है। और रोजे में जब आपकी बेगम आपसे ऐसे काम करवाए तो बहुत ही मजा आता है। चलो कोई नहीं, वो तो अभी मजबूरी थी, आ गया था, काम करना था। और गाइस हमारे जो पड़ोसी है ठीक है, उन लोगों ने भी हमारी काफी मदद की है, समझो 6 लोग मिल के उन लोगों ने 100 रुपए लेके आए। मैं सोच रही हूँ गाइस कि अगर बिलाल साहब घर में ना होते और ये आ जाते तो मैं क्या करती अकेली। तो ये सोफे फिर बाहर गली में पड़े होते, जब बिलाल साहब आते फिर उन्हें सोफों के ऊपर लेके आते। नहीं मगर मैं क्या उसकी सोफों की राखी करने के लिए मैं बाहर बैठी रहती, मैं उसका देखभाल करती रहती। और गाइस एक और मजे की बात बताऊँ, जो जिस मतलब सोफे जिस पैकिंग के अंदर आया ना वो 12 kg गत्ता था और उसका मैंने बहुत बड़ी आबेद निकल 300, ये 300 रुपए की दिहाड़ी लगाई है मैंने ठीक है, ये 300 रुपए मेरा है ठीक है, 300 रुपए मैंने कमा लिया है। निकलो 300 रुपया हम बिलाल साहब को दे दे, चलो बाबा को ले लो। तो ये व्लॉग एंड कर दूं? हां कभी जाहिर सी बात है सबने रोजा खोलना, आप भी चलो आप लोग भी रोजा खोलो। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में जरूर मुलाकात होगी, तब तक ये टाटा बाय बाय गुड बाय।